अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी वर्दा महक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन, जो मेरी उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए हैं जो स्किन केयर फॉलो करना चाहती हैं लेकिन शायद अपने बजट की वजह से नहीं कर पाती हैं और घर में बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। इसी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ स्किन केयर नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्किन केयर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपने अपनी स्किन का ख्याल खुद रखना है, ठीक है? नहीं तो आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन को ठीक नहीं कर पाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं ऑयली स्किन के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला हमें फेस वॉश करना चाहिए, जो कि ये बहुत अच्छा फेस वॉश है हिमालय का। रेंज वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा हिमालय का फेस वॉश है। इसका एक नीम फेस वॉश भी आता है। ये 160 रुपीज़ का है, 150 ml इसकी क्वांटिटी है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आपके फेस पर आता है ये उसको रिमूव करेगा। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आप इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपने फेस वॉश किया हुआ बहुत देर हो गई है तो आपने स्क्रब से पहले आपने करनी है क्लींजिंग। क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है, ये आप स्किप मत कीजिएगा। जितने भी डर्ट वगैरह है आपके फेस पर, आपको सबसे पहले उसको रिमूव करनी है, देन आपको स्क्रब यूज़ करना है। क्लींजिंग के लिए सबसे अच्छा ये गुलाबरी का करके आता है डाबर, आप ये ले सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 45 रुपीज़ है। ये बहुत ही अच्छा भी है, आपने इसको ऐसे स्प्रे करना है, देन आपने कॉटन की हेल्प से इसको रिमूव कर देना है। कुछ सेकेंड के लिए आप इसको लगाइए फेस पर और कॉटन की हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग आपको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करनी है, ऑयली स्किन वालों को स्पेशली एक ही बार करनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्क्रब आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? यह है हिमालय का प्योरीफाइंग नीम स्क्रब। ये बहुत अच्छा स्क्रब है ऑयली स्किन वालों के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल है बहुत, 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, मैं आपको बता दूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 75 इसके प्राइस है। आप बहुत आराम से इसको ले सकते हैं और ये कई दिन आपका चलेगा, ठीक है? आप देख लीजिए इसको अप्लाई करना कैसे है। आपको बस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, जितना आपके फेस पर आ जाए। याद रहे आपका फेस वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए आपका फेस, तभी आपको स्क्रब अप्लाई करना है। और स्क्रब बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बहुत हार्ड से उसको कर लिया है, और क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके रैशेस कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत हल्के हैंड से आपको इसको अप्लाई करना है। ऐसे सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है, ठीक है? और डियर, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो आपने उस दौरान स्क्रब नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि पिंपल्स और ज़्यादा हो सकते हैं आपके स्क्रब करने से, ठीक है? अब हमारी बारी है फेस पैक की, लेकिन हमने फेस पैक नहीं करना है। फेस पैक से हमें पहले लगाना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से आपने 1 मिनट मसाज करनी है अपने फेस पर। इससे आपकी स्किन को ग्लो तो मिलेगा, साथ ही बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। क्या होता है, स्क्रब के बाद हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है उसमें, तो हमें पहले 1 मिनट के लिए एलोवेरा जेल से मसाज करनी है। इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ग्लो मिलेगा आपको, ठीक है? तो आपने 1 मिनट के लिए इस तरह मसाज कर लेनी है, देन हमें फेस पैक लगाना है, ठीक है? फेस पैक भी नीम फेस पैक है हिमालय का, ये भी 75 रुपीज़ का है, 50 ग्राम इसकी भी क्वान्टिटी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। ये बहुत अच्छा नीम फेस पैक है, मैं आपको बता रही हूँ, और स्किन वाले इसको ज़रूर यूज़ करें, अपनी स्किन केयर रूटीन में आप इसको शामिल कर लें, तो आपकी स्किन पे जितना भी एक्सेस ऑयल होता है, जो भी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सारी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और फेस पैक आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है, स्क्रब 1 बार यूज़ करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, उसके बाद आप टोनर ज़रूर यूज़ करिए, प्लीज़। टोनर से आपकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस हो जाएगी। आप ये कुकम्बर का गुड वाइब्स का टोनर है, बहुत ही रिजनेबल रेंज में है, 175 शायद इसकी रेंज है, आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अफोर्डेबल
रोज़ वाटर से बेहतर कोई टोनर हो ही नहीं सकता। 745 इसकी प्राइस है। आपने क्या करना है, कॉटन पे इसको लेना है, देन डैब 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 करके अपने फेस पर लगाना है, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।